वहां पर से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर चुके हैं। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो ट्रेडिंग को अपना करियर मान रहे हैं। तो क्या सच में ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है? कमाया जा सकता है तो कितना पैसा कमाया जा सकता है? क्या घर चल सकता है ट्रेडिंग से, या फिर सपने भी पूरे हो सकते हैं ट्रेडिंग से? वेल, इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक फुल टाइम ट्रेडर जो आपको अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी गलतियों से गाइड करने वाले हैं, वो गलतियां जो आप ना करें, और ऐसी चीजें, ऐसे प्रिंसिपल जिन्हें फॉलो करके आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। सो वी हैव टुडे आवर स्पेशल गेस्ट, वन एंड ओनली मिस्टर सुमन घोष। सो सुमन जी, वेलकम। आज बहुत कुछ सीखने वाली है हमारी ऑडियंस आपसे। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे मौका दिया आपके ऑडियंस के सामने आने के लिए। सो थैंक यू सो मच। वेल, सुमन जी को हो सकता है कई सारे लोग जानते हो, कई सारे लोग नहीं भी जानते हो, तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि आज सुमन जी हमारे साथ हैं। कल रात में ये वेस्ट बंगाल से फ्लाइट पकड़ के यहाँ पर आए हमारे पास, एंड अभी सुबह सुबह हम आज इनके साथ एक ट्रेनिंग वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज ही हैज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट टू शेयर विद यू ऑल। तो जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं इंडिया के अंदर ना, कई सारे लोग ऐसे, इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली की भी बात करूं तो लोग ट्रेडिंग को जुआ समझते हैं, दे थिंक ट्रेडिंग ना गैम्बलिंग है। तो आपको क्या लगता है, आपने अभी तक जो फील किया है कि ट्रेडिंग क्या सच में गैम्बलिंग है या एक फुल टाइम प्रोफेशन बन सकता है, आप बताइए प्लीज हमारी ऑडियंस। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको देखना होगा कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर गैम्बलिंग का माइंडसेट से आप ट्रेडिंग में आएंगे सो डेफिनेटली ये गैम्बलिंग ही है। सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग का माइंडसेट से आप कोई भी अगर बिजनेस करेंगे सो वो गैम्बलिंग होगा। आपको देखना होगा कि जो ट्रेडिंग है एक गैम्बलिंग के नजरिए से ना देखा जाए, एक बिजनेस के तौर पर देखा जाए। अब जैसे सुमन जी ने बोला कि गैम्बलिंग के तरीके से ट्रेडिंग को ना देखा जाए, बिजनेस के तरीके से देखा जाए, तो सुमन जी अभी आपकी एज क्या है? आई एम 25 इयर्स ओल्ड। 25 इयर्स, सो यू आर 25 इयर्स यंग, अभी ओल्ड नहीं हुए आप, तो 25 साल के हैं आप। अभी हम बात कर रहे हैं कि ही विल टीच यू विद हिज एक्सपीरियंसेस। अब कई सारे सर ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे यार मैं तो तुम्हारी एज से डबल भी हूँ, मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो तुम क्या सिखाओगे? तो ये आंसर देने के लिए लोगों को पहले ये जानना भी जरूरी है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपने कैसे ट्रेडिंग के अंदर कदम रखा। सो हाउ डिड यू स्टार्ट, व्हाट इज योर जर्नी सो फार? ओके, तो एट फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम, जैसे कि सर पहले आपको इंट्रोड्यूस कराया कि माई सेल्फ सुमन घोष, एंड बहुत सारे लोग यूट्यूब में मुझे ट्यूब गुरु नाम से भी जानते हैं वैसे जी। सो मैं आपको बता देता हूँ कि 2016 में क्रिप्टो ट्रेडिंग से मैं, मेरा जो ट्रेडिंग जर्नी है उसे स्टार्ट किया था, एंड उसके बाद मैं अभी क्रिप्टो में भी ट्रेड करता हूँ, करेंसी मार्केट में भी ट्रेड करता हूँ, एंड उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग करता हूँ, एंड ट्रेडिंग के साथ साथ मैं प्रोफेशनली एक टीचर भी हूँ। लेकिन अभी है ना, टीचिंग मेरा एक आप कह सकते हो कि एक हॉबी हो चुका है साइड का। अच्छा। मेरा अभी मेन जो काम है, मेन जो फोकस है वो ट्रेडिंग पे ही रहता है, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो या इंडियन स्टॉक मार्केट हो। तो एट फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, 2016 में जब मैं बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग को स्टार्ट किया, उस टाइम पे क्या हुआ, 2017 में जो क्रिप्टो मार्केट था बहुत ज्यादा पिक में गया, बहुत ज्यादा हाई में गया था, एंड उतना ही तेजी से नीचे भी आया। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ टाइम था कि जितना ज्यादा मूवमेंट नहीं था क्रिप्टो मार्केट में, एंड अभी के टाइम पे लगभग सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों में फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मार्जिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तब नहीं था। सो एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया करेंसी ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बेसिक्स पता था क्रिप्टो ट्रेडिंग के, एंड स्टॉक मार्केट में भी मैं ट्रेडिंग करता था। सो इसी तरह करेंसी मार्केट में भी मैंने ट्रेड को स्टार्ट किया, एंड अभी मैं कह सकती हूँ कि एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। तो जैसे कि मुझे जहाँ तक पता है कि आप एक कंप्यूटर टीचर से आपकी शुरुआत हुई है, एंड आपके अपना इंस्टीट्यूट भी है, तो वहाँ से सडनली यहाँ पर आना, तो व्हाट वाज द रीजन कि आपका इंस्टीट्यूट चल रहा है, आज भी आपके पास टीचर हैं? सो एक कंप्यूटर टीचर बिकेम अ ट्रेडर, तो उसका रीजन क्या था कि आपने ट्रेडिंग को क्यों चूज किया? एट फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि टीचिंग में जब कराता था उस टाइम पे ट्रेडिंग में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि जब मैं मार्केट्स में जाता था देखता था कि लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे, ग्राफ्स चल रहे, सो एग्जैक्टली है क्या ये, तो मुझे जानना था। उसके बाद मैं बहुत सारे आर्टिकल को रीड किया, यूट्यूब में वीडियोज देखा, देख के अपने आप को मैं डेवलप करता गया, एंड जब मैं इस फील्ड में आया, जब इस फील्ड का मुझे रियलिटी पता लगा, तो मैं समझा कि हाँ इसे मैं एक फुल टाइम करियर चूज कर सकता हूँ।
तो स्टार्टिंग में तो ज्यादातर लोगों का ये होता है अगर वो किसी और प्रोफेशन में होते हैं कि अगर हम ट्रेडिंग करेंगे, चाहे आज वो शेयर मार्केट में ट्रेड करें चाहे करेंसी में ट्रेड करें, तो उनके लिए ये होता है कि हमें एक बस एक्स्ट्रा अर्निंग मिल जाए। तो वो आपके दिमाग में भी था? एकदम एग्जैक्टली वही दिमाग में था कि मेरा मेन जो काम है टीचिंग का वो तो चल ही रहा है, साथ ही साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग आ जाए। तो कितना अर्निंग सोचा था आपने, कितना अर्निंग एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से अपने हिसाब से उस टाइम पे कि भाई इतना अर्निंग आ जाएगा तो मैं सेटिस्फाइड रहूंगा और बढ़िया रहेगा मेरे लिए? उस टाइम पे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास उतना ज्यादा कैपिटल नहीं था कि मैं ज्यादा कैपिटल से ट्रेडिंग को स्टार्ट करूँ। करना भी नहीं चाहिए, आप लोगों को भी गाइड कर रहा हूँ। एग्जैक्टली स्टार्टिंग में तो मत कीजिए बहुत ज्यादा कैपिटल। सो उस टाइम पे मेरा फोकस यही था कि जो कैपिटल मैंने इन्वेस्टमेंट किया है बस कैपिटल सेफ रहना चाहिए, मैं प्रॉफिट नहीं देखता था कभी, कैपिटल सिक्योर, बस कैपिटल सिक्योर रहना चाहिए। उसके बाद अगर मंथली मुझे 10-15% आ जाए तो बहुत सही है आपकी कैपिटल के ऊपर। एग्जैक्टली, तो 10-15% का एक टारगेट है कि 10-15% अगर ट्रेड करके मेरी कैपिटल पे, मान लीजिए किसी ने अगर 1,00,000 रुपए का कैपिटल अगर डाला है ट्रेडिंग करने के लिए, तो अगर मैं 10-15,000 महीने का कमा लेता हूँ उस कैपिटल से, सो इट विल बी गुड फॉर मी। अगर किसी ने 10,00,000 डाला है तो वो जिस हिसाब से 1-1.5 लाख रुपए अगर कमा लेता है ट्रेडिंग से, तो दिस इज गुड फॉर यू, राइट? यस। तो अब जैसे आपने बताया कि आपने ट्रेडिंग शुरू किया, आपने सोचा कि 10-15% कैपिटल के ऊपर आ जाएगा तो इट विल बी गुड फॉर मी। तो सर स्टार्टिंग ना ज्यादातर लोगों की ऐसे होती है, इनफैक्ट मैं सभी की बात करूंगा, कि एक ऐसा टाइम होता है कि देखो स्कूल में तो ट्रेडिंग सिखाई नहीं जाती। नहीं, तो ये जो ट्रेडिंग है आपने सीखी कहाँ से? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर यू? ओके, बहुत एक गुड क्वेश्चन आपने मुझे पूछा। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको जैसे बताया क्रिप्टो के बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था, बेसिक जो जानकारी मुझे था कि कैंडलस्टिक्स क्या है, बाकी ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये मुझे लगभग पता था। एंड उसके बाद मैं और डीप लेवल का स्टडी करने के लिए बहुत सारे ब्लॉग है, बहुत सारे ई बुक्स अवेलेबल है फ्रीली एकदम, उससे मैंने सीखा, बहुत सारा यूट्यूब में वीडियोस है उससे मैंने सीखा। एंड उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेडिंग ऐसा कोई आप नहीं कह सकते हो कि हिस्ट्री है या जियोग्राफी है, आप बस थ्योरी रीड कर ली है बस आप एक ट्रेडर बन गए। जब तक इस मार्केट में आप एंटर नहीं होंगे, जब तक आप लॉस फेस नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि आपका मिस्टेक्स क्या है, जब तक आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे तब तक एक सक्सेसफुल ट्रेडर कोई भी नहीं बन सकता है। स्टार्टिंग में मैं बहुत बहुत मिस्टेक्स करता था, इनफैक्ट अभी भी करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मिस्टेक्स करना इंसान बंद कर दे, आप एट द बिगिनिंग से लेकर अभी तक मिस्टेक्स मैं कर ही रहा हूँ। एंड हर वक्त मेरा कोशिश यही रहता है कि मेरा जो प्रीवियसली मिस्टेक था मैं उसे फाइंड आउट करूँ, क्यों मेरा जो मिस्टेक्स क्यों हुआ था उसे मैं फाइंड आउट करूं एंड अपने आप को मैं इम्प्रूव करूं। एंड अभी भी मैं सीख ही रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस से, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग से, एक दो बुक्स भी मैं रीड करता हूं, इंटरनेट में ई बुक्स बहुत सारे अवेलेबल है, तो इसी से मैं बेसिकली सीखता हूं ट्रेडिंग। तो आपने बोला कि आपने बेसिकली दो सोर्सेस से ट्रेडिंग सीखी है, एक इंटरनेट पे जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है चाहे वो ई बुक्स के माध्यम में हो, बुक आप ब्लॉग्स के माध्यम से हो, आप वीडियोस के माध्यम से हो, इनफैक्ट यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप यहाँ पे मैं सर का चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, आप इन्हें भी देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप सर्च करेंगे, आप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं आज की डेट में इंटरनेट पर आप वो सीख सकते हैं। तो आप डेफिनेटली पहले सीखने पे फोकस कीजिए, एंड दूसरा आपने जो बताया कि गलती कीजिए, जितनी जल्दी आप अगर गलती को सुधार लेंगे उतनी जल्दी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो देखो गलती तो सब करते हैं, मैंने तो सर ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति देखा होगा जिसने ट्रेडिंग के अंदर लॉस ना किया हो, बट कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो लॉस से डर जाते हैं कि यार लॉस हो गया आज के बाद तो मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, बेकार चीज है। कुछ लोग होते हैं लॉस हुआ तो हुआ क्यों, क्या रीजन था, मेरी साइकोलॉजी खराब थी या मेरी आज की डेट में मुझे टेक्निक्स नहीं आती या फिर मेरा जो नॉलेज है वो पूरा नहीं है, तो रीजन क्या था। और जो लोग उस रीजन पे काम करते हैं वो अगली बार इंप्रूव करके और बेहतर करते हैं और बेहतर करते हैं, एंड दे इंप्रूव, दे बिकम ट्रेडर्स। एंड जैसे मैंने बोला कि ज्यादातर कैटेगरी उन लोगों की है जो जिन्होंने एक बार नुकसान कर लिया बस और तो फिर उसे गाली देंगे, फिर उसे गाली देंगे। मैं आपको जैसे मैं अपने बारे में भी बताऊं, मेरे फादर ने MCX में ट्रेडिंग करा था कमोडिटी मार्केट में, उनका काफी नुकसान हुआ, तो उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि ट्रेडिंग बहुत बेकार है, जुआ है, सट्टा है, सब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में अगर मैं फादर से पूछ लूंगी भी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते तो उन्हें नहीं पता होगा, बट उन्होंने बोला उन्होंने ट्रेडिंग किया। तो मतलब आज की डेट में मैं ये बोल सकता हूँ, आज समझ सकता हूँ इन चीजों को कि उन्होंने ट्रेड किया ही नहीं, उन्होंने एक्चुअली गैम्बल किया, तो इसलिए वो गलत बोल रहे हैं। तो जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि आपका माइंडसेट क्या है, आपका गैम्बलिंग का माइंडसेट है तो आप गैम्बल करने वाले हो, आपका अगर माइंडसेट है कि आपको पता है कि आप कर क्या रहे हो तो आप ट्रेड कर रहे हो। तो सर ऐसे बहुत सारे लोग जो गलत बोलते हैं कि भैया ट्रेडिंग गलत है,
और ट्रेडिंग में नुकसान हो गया, ये इसे कभी नहीं करना, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? सो आप अगर इंडिया में देखते हैं तो बहुत सारे फुल टाइम ट्रेडर है, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे मेरे से भी बहुत बिग बिग ट्रेडर है एब्सोल्युटली, जिनका मेन प्रोफेशन ही है ट्रेडिंग, राइट? सो लोग क्या गलती करते हैं, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, लर्निंग करने का कोशिश ही नहीं करते, उनको सबसे पहले अर्निंग करना है, कुछ जानकारी नहीं है, सबसे पहले अर्निंग अगर करने जाएंगे तो डेफिनेटली लॉस होगा। नॉर्मली अगर हम कोई जॉब, मेरा सपोज ड्रीम है कि मैं कोई एक अच्छे कंपनी में जॉब करूंगा, गूगल में जॉब करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करूंगा, सो मेरा फोकस रहता है क्या, मैं सबसे पहले तो क्लास वन से लेके ट्वेल्थ तक स्कूलिंग करता हूँ, देन डिग्री कंप्लीट करता हूँ, देन हायर स्टडी करता हूँ। उसी तरह ट्रेडिंग में भी आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टार्टिंग में अगर आप सोचेंगे कि आपको पर मंथ 20% 30% अर्निंग करना है तो डेफिनेटली आपका लॉस होगा। एंड लोग क्या है ना, समझ नहीं पाते, यही बात को समझ नहीं पाते कि सबसे पहले फोकस करना है लर्निंग में, देन आपको जाना है अर्निंग में, राइट? तो अभी जैसे बोला कि पहले लर्निंग करेंगे और फिर अर्निंग पे फोकस करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। एंड जो लोग सिर्फ ट्रेडिंग को ये सोचते हैं कि ये जुआ है और फिर वो लर्निंग को इग्नोर कर देते, तो डेफिनेटली अगली बार भी अगर वो गैम्बलिंग के माइंड सेट से आएंगे तो वो नुकसान करने वाले हैं अपना। सो देर आर सो मेनी क्वेश्चन जो लोगों के मन में होते हैं ट्रेडिंग को लेके। एंड देखिए, बिलीफ सिस्टम को चेंज करना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी ने बिलीफ बना लिया कि भाई ये गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। एक्चुअली मैं आज आपको बताता हूँ कि आज मैं सुमन जी से आपको क्यों मिलवा रहा हूँ, उसका रीजन आप समझिए। ज्यादातर लोग तो सर आपकी एज ग्रुप में आते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ना डेमोग्राफिक्स देख सकता हूँ, तो शायद 50 प्लस वाली ऑडियंस मेरी 10% होगी, एंड जो 20 टू 30 के बीच में ऑडियंस है वो मेरी 80% होगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो ज्यादातर लोग हैं वो आपसे रिलेट करेंगे, क्योंकि 25 के आसपास की एज के बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? तो आपसे इंटरेक्ट कराना, और दूसरी चीज लोग रिलेट कर पाएंगे। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा दूंगा यहाँ पे जो मतलब आप कह सकते हो कि भैया 100 करोड़ के कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, तो लोग कहेंगे जी हमारे मतलब क्या किस क्या हमारे लिए नहीं है ये, है ना? तो ये सोचना आपके लिए कि ये हमारे लिए नहीं है। सुमन जी से आपसे मिलवाने का पर्पस ये है कि आप ये समझो कि आपकी एज का एक पर्सन जो ये बोल रहा है, देखो बातें आप समझिए गहराई वाली, सबसे पहले उन्होंने माइंडसेट के ऊपर फोकस किया, फिर उन्होंने नॉलेज के ऊपर फोकस किया, एंड देन बोला कि लॉसेस होंगे, उनसे सीखना है एंड फिर आपको ट्रेड करना है। तो अगर आपकी एज का कोई व्यक्ति ये बता रहा है कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंटली इस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करी है कि वो लोग जो एक सिस्टम के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों के थ्रू आपके पास लर्निंग पहुंचे। आने वाले टाइम में भी यू विल सी अ लॉट मोर पीपल जो ट्रेडिंग से सक्सेसफुल हुए हैं, एंड दे आर फॉलोइंग देयर प्रिंसिपल्स, दे आर फॉलोइंग गुड प्रैक्टिसेस। वो अपना एक सिस्टम बनाकर ट्रेड कर रहे हैं, गैम्बलिंग नहीं कर रहे, तो उससे आपको गाइडेंस मिलेगी। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। अब सर देयर आर मल्टीपल थिंग्स, लोगों को मन में सवाल होता है, एक सवाल ये भी होता है कि ब्रोकर कौन सा चूज करें, किस ब्रोकर के साथ ट्रेड करें। तो आप अभी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो कौन से ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं? तो सर देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग करता हूँ, right. उसके बाद मैं क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग करता हूँ। मैक्सिमम टाइम आप कहाँ पे देते हैं? मैक्सिमम टाइम मैं करेंसी मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में देता हूँ। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट में। मुझे लगता है कि फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। अच्छा। एक तो आप अगर एक अगर कोई काम कर रहे, सपोज आप कोई जॉब कर रहे या बिजनेस कर रहे, तो इवनिंग को 5 बजे तक तो आपके पास टाइम नहीं है। हाँ। बाकी फॉरेक्स मार्केट तो 24 आवर्स तो मार्केट है। हाँ। उसके बाद भी कोई चाहे तो आके इजीली ट्रेड को कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट तो आपको पता ही है कि 3:15 के बाद बंद हो जाता है। हाँ, 3:30 तो बंद ही हो गया, 3:30 से बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो वही बात है कि फॉरेक्स मार्केट में इसीलिए मेरा फोकस ज्यादा रहता है। एंड फॉरेक्स का जो ब्रोकर है, मैं ऑक्टाएफएक्स को अभी चूज किया हूँ, क्योंकि ऑक्टाएफएक्स आपको पता ही है इंडिया में अभी बहुत ज्यादा एक पॉपुलर एक ब्रांड है, साथ साथ क्रिप्टो में भी अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उसे मैं यूज करता हूँ। ब्रोकर चूज करने से पहले मुझे सबसे पहले देखना चाहिए कि ब्रोकर का रेपुटेशन क्या है, विथड्रॉल डिपॉजिट स्मूथ है कि नहीं, सब कुछ आपको देख लेना है, उसके बाद ही आपको ब्रोकर को चूज करना है। अच्छा, तो एक अच्छा ब्रोकर, ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों को चूज करना चाहिए डिपेंडिंग आप कौन से मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। आपने एक बात यहाँ पे बोली कि उसका जो डिपॉजिट है और विड्रॉल है वो दोनों सिक्योर एंड फास्ट होने चाहिए, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट। एंड ब्रोकर की रेपुटेशन मार्केट में क्या है, सो रेप्यूटेड ब्रोकर्स को ही आप ट्रस्ट करें। अगर आप किसी मैं कह सकते हो कि चिंदी या छोटे ब्रोकर के साथ करते हैं, तो देखो क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो, आप अपने डिपॉजिट डालोगे, तो दैट हैज टू बी सिक्योर। सो दैट इज मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि आपका जो डिपॉजिट है और विड्रॉल्स हैं वो सेफ होने चाहिए। सो फाइनली सर, जैसे नए लोग हैं एंड न्यू ट्रेडर्स हैं, उनके लिए आपकी फाइनल एडवाइस क्या रहेगी
कि जो भी आपको लगता है कि आपने अभी तक अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है, अगर एक मेच्योर्ड में वो एक्सपीरियंस अपने नए लोगों को देना चाहे, नए ट्रेडर्स को देना चाहे, अपने दर्शकों को देना चाहे, तो वो क्या रहेगा? ओके, सो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि डेफिनेटली ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग को आप एज ए फुल टाइम करियर डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, सबके लिए टाइम चाहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, सिंपली आप जाके देख सकते हैं, एंड आप चाहे तो मेरा जो चैनल है उसे भी विजिट कर सकते हैं सर, जैसे कि पहले बताया ट्यूब गुरु नाम से मेरा चैनल है। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप लर्निंग में फोकस कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप सीखिए, जो एट द बिगिनिंग आपको जो सीखना है, जो बेसिक चीज़ों के बारे में जो कि सर भी सिखा रहे हैं अपने वीडियोस के थ्रू, तो उससे आप सबसे पहले ग्रैप करने का कोशिश कीजिए। एंड जब आपको लगे कि हाँ मैं अभी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अभी ट्रेडिंग कर सकता हूँ, तब आप स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेडिंग को स्टार्ट कीजिए। एंड अगर आप ऑक्टाफिक्स को यूज कर रहे हैं करेंसी ट्रेडिंग के लिए, तो उसमें डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन है, सो डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आप सभी, डेमो ट्रेडिंग करके अपना जो स्ट्रैटेजी है उसे देख सकते हैं कि आपका स्ट्रैटेजी सही है या गलत है। एंड उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करेंगे, अगर सपोज कि आप $100 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका लॉस हुआ, तो फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिए कि लॉस होने के पीछे रीजन क्या है। अगर आप लॉस होने का पीछे जो रीजन है उसे फाइंड आउट कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको कोई नहीं रोक सकता एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से। सो मल्टीपल ऑप्शन है, आप चाहो तो स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, करेंसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एक ही मेरा आपको एक ही बात कहना है कि एट फर्स्ट फोकस ऑन लर्निंग, उसके बाद ही आप अर्निंग का सोचिए। डायरेक्टली अगर आप कुछ भी पता नहीं है, आप डायरेक्टली जाकर टर्मिनल को ओपन करके ट्रेडिंग करने का कोशिश करेंगे, तो कुछ नहीं होगा, लॉस ही होगा, एंड एट द एंड आपको लगेगा दूसरे की तरह कि हाँ ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है, अरे इससे तो कोई इनकम कर ही नहीं सकता है। सो मुझे यही कहना है आप सभी से। अच्छा, एंड फाइनली बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं सर वेस्ट बंगाल से हैं, तो बंगाली में मैसेज दीजिए प्लीज। ओके, बंगाली में मैसेज दे देते हैं। सो আপনাদের সকলকে এটাই বলতে চাইছি যে ট্রেডিং এ আপনারা ফুল টাইম ক্যারিয়ার, অ্যাজ এ ফুল টাইম ক্যারিয়ার আপনারা ট্রেডিং কে চুজ করতে পারেন। ইউটিউবে অনেক ভিডিওস পাবেন, ভিডিওস গিয়ে দেখুন, অনেক আর্টিকেল পাবেন, ব্লগ পাবেন, আপনারা সেখানে গিয়ে দেখুন এবং দেখে লার্নিং এ ফোকাস করুন। লার্নিং এ ফোকাস করার পরে আর্নিং এর চিন্তা ভাবনা করুন। এন্ড ডেফিনেটলি যদি প্রথমে 6 মান্থ টু 1 ইয়ার লার্নিং এ আপনারা ফোকাস করবেন, তো ডেফিনেটলি আপনারা সাকসেস আপনারা নিশ্চয়ই পাবেন ট্রেডিং এ। খুব ভালো। তো আজ তো স্যার ওয়েস্ট বেঙ্গল সে আবি হাম এসে আপকে লিয়ে করনে ওয়ালে কি আলাগ আলাগ স্টেট সে ऐसे लोग जो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है उनसे मिलवाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप कौन सी स्टेट से चाहते हैं कि हम आपके सामने एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी को लेकर, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो से डेफिनेटली अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला ही है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक करके आप अपना प्यार जता सकते हैं, एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। फेसबुक पे देख रहे हैं आप हमें फॉलो कीजिए, जैसे मैंने बोला सर के यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेलिब्रेट। एंड सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग, एंड हियर इज अ गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड, सो दिस इज अ स्मॉल बुक एंड स्मॉल गिफ्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।